तेरी बड़ भजरता का भैया। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। तो कैसे हो सब लोग, मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और आज हम अपनी चांदरी के बालों की कटिंग कर रहे हैं। पशुओं की बालों की कटिंग जो है ना, वो साल में 2 या 3 बार करनी होती है, एक तो गर्मियों में और दूसरा फिर आजकल जब सर्दियाँ चली हुई है ना, तो अभी सर्दियाँ कम है, सुबह शाम है, सर्दी और दिन में तो काफ़ी सारी धूप होती है, तब इनके बाल काटने होते हैं, नहीं तो फिर इनको ना जुए चिचड़े वगैरह भी पड़ते हैं। और साथ साथ में ये जो इनके बाल होते हैं ना, तो बालों में पशुओं को बहुत ज़्यादा खारिश होती है, तो इसलिए यहाँ पे याद कर रहे हैं हम अपने चांदरी के बालों की कटिंग। और यहाँ पे ये जो घास होता है ना, बेउल घास, तो उस घास की टहनी का जो छिलका होता है ना, तो ये वो छिलका निकाल करके लिया हुआ है। और इससे पशुओं के बालों को हम ऐसे पहले तो मुलायम कर देते हैं, और ये साबुन का काम करता है। तो पहले इसको ना पूरा नहला देंगे इस वाले साबुन से, साबुन ही हुआ एक तरह का ये। और फिर इससे क्या होगा कि ये जो बाल जो है ना, ये नरम हो जाएंगे और फिर बाल निकालने को आसान रहते हैं। और ये हमारी भैंस ना कमज़ोर है, तो आप लोग ऐसा मत बोलना कि ये कमज़ोर है, और ये तगड़ी ही नहीं होती है। 3 साल हो गए हैं इसको मेरे पास, मतलब दूसरे घर की लाई हुई है ये, तो कोई भी पशु नहीं मेरा ऐसे कमज़ोर होता था ना, ये ही है बेचारी। अब पता नहीं इसके मालिक कैसे थे जिन्होंने इसको पाला है बचपन में, इसको पता नहीं कुछ खिलाया पिलाया भी है कि नहीं, इसके पता नहीं हड्डी ऐसी होगी, इसको मांस ही नहीं लगता है ज़रा भी। और हमने ना इस अपनी भैंस को ना जो पेट के कीड़े की दवाई होती है वो भी खिला करके देख ली है, और बाकी अनाज तो इसको ना ड्रम भर भर के खिला लिए, लेकिन फिर भी ये तगड़ी नहीं हुई। जो भी अनाज होता है ना वो पशुओं को ही खिलाते हैं, खुद तो हम दुकान से लाते हैं अपने लिए, तो आटा वगैरह जो भी होता है या थोड़ा बहुत जो भी डिप्पू से मिलता है, लेकिन जो भी अपनी ज़मीन में अनाज होता है या फिर एक्स्ट्रा भी इनके लिए ना अनाज लेना पड़ता है। तो अभी भी हमने इसके लिए 2 क्विंटल गेहूँ खरीदी थी, तो 2 क्विंटल गेहूँ अभी पूरी तो इसने खा ही नहीं है, पर कम से कम 1-1.5 क्विंटल इसने खा ली है अभी भी। और हमारा चंदू आज ना बहुत परेशान हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे इसको ना अकेले सजा लगी है, इसकी मामा के बाल काट रहे हैं ना, तो उसको यहाँ से परे ले जा करके बांधा हुआ है, और तब ये यहाँ पे अकेला है, तब ये यहाँ पे अकेला बांधा हुआ है। और अभी ना इसके बालों की कटिंग भी करनी है, और पता नहीं अभी इसका नंबर कब आएगा, और ये शैतान होता जा रहा है दिन प्रतिदिन। तो अभी तक तो हमने सोचा कि ये छोटा बच्चा है ना, पर अब ये 1 साल का हो गया है ना, तो अब ना इसकी रोज रोज ना खातिरदारी हुआ करेगी, तो इस तरह से होगी इसकी खातिरदारी। ये देखिए, इसके लिए ना स्पेशल ऐसे डंडा रखना पड़ेगा, तब होगी इसकी खातिरदारी, नहीं तो ये फिर हमारे हाथ से निकल जाएगा और फिर ये हमारे काबू में नहीं आएगा, अगर इसको ऐसे ही अपनी मनमानी करने दी तो। है दर्दनिया दर्दनिया। और ये जो छोटे बच्चे होते हैं ना, तो इनको अभी रेजर तो लगाते नहीं है, फिर देखते हैं जब इसके बाल काटेंगे ना, तो देखते हैं उस दिन की रेजर लगाएंगे इसको या कैंची से काटेंगे इसके बाल, क्योंकि इनकी जो चमड़ी होती है ना ये बहुत ही मुलायम होती है छोटे बच्चों की, तो तब इनके बाल कैंची से ही काटते हैं 1-1.5 साल तक। तो भैंस के बालों की कटिंग तो हरदीप के पापा कर रहे हैं, और मैंने ना उसको गीला कर दिया है सारे, मतलब जो भी उसके बाल होते हैं ना उनको भिगोना होता है, तो तब मैं फिर यहाँ पे दराटी लेके आ गई हूँ अपनी क्यारी में। और यहाँ पे है हमारे मिर्ची के पौधे, तो मैं इनको ना काट लूँगी, आज इनमें मिर्च लगी हुई है पर बहुत ही थोड़ी सी हरी मिर्ची है, पकी भी नहीं है, तो इनको मैं इसलिए काट रही हूँ कि यहाँ पे हमारे एक पक्षी होता है ना काले रंग का, कल्याण बोलते हैं हम उसको, तो उसने ना इस बार हमारी ये जो मिर्ची के पौधे हैं सारे ही खाली कर दिए हैं। तो फिर मैंने सोचा कि यहाँ पे जो थोड़ी बहुत इन पर हरी मिर्ची है ना, इनको मैं काट ही लूँगी, चलो जितनी भी निकलेगी, 100 ग्राम निकले चाहे 200 निकले, तो हरी वो हमारे काम आ जाएगी, नहीं तो वो पक्षी ना एक दाना भी नहीं यहाँ पे छोड़ेगा। तो ये देखिए, ये रहा हमारा कद्दू, और ये काफ़ी बड़ा कद्दू हो गया था ना, तो इसका बदल भी भारी हो गया था, तो मुझे ना इसका नीचे गिरने का डर था, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ऐसा जुगाड़ किया हुआ है। ये देखिए, स्पोर्ट लगाई है मैंने, जो घर को लगाई थी लेंटर वाली स्पोर्ट ना, उसको लेके आ गई हूँ मैं, और यहाँ पे मैंने 8-10 ईंटें रखी हुई है, इसके ऊपर लगा दिया स्पोर्ट, तो अभी तक ये कद्दू हमारा ठहरा हुआ है, तो अगर कुछ दिन और रह जाएगा तो फिर ये पक जाएगा और हमारा कद्दू भी वेस्ट नहीं होगा।
घर अच्छा लग रहा है, अंदर चला गया कमरे में। तो अब हम आ गए हैं यहाँ पे, हमने दो दिन पहले घास काट करके रखा हुआ है, तो इस घास को हम ना पेड़ पे बांध देंगे। तो ये देखिए इकट्ठा करके रखा हुआ है इसको, और यहाँ पे घास काट के तो हमारा कंप्लीट हो गया है, लेकिन ये जो काटा हुआ है ना, तो इसको मुझे आज पेड़ पे बांधना है, पर मुझे आज ना दूसरे तरीके से पेड़ पे बांधना है, जैसे कि मैंने आपको पीछे भी दिखाया था कि हम किस तरह से पेड़ पे बांधते हैं। तो आज मैं वो वाला तरीका नहीं आपको दिखाऊंगी, आज मैं दूसरा तरीका बताऊंगी आपको, जिसको कि हम बोलते हैं डाल लगाना, तो वो बड़ा सा लगता है। तो चलिए दिखाते हैं आपको कि किस तरह से लगाते हैं हम वो वाला डाल। तो ये जो मैं दूसरे तरीके से आज घास बांधने वाली हूँ ना, तो इसको पहले इस तरह से बांधना है मुझे नीचे से, और इसको ना बराबर करना है पहले, क्योंकि यहाँ पे ये जो पेड़ है ना, तो ये थोड़ा सा ऊपर है और यहाँ पे ना नीचे जगह खाली है, तो ये जो नीचे की तरफ मैं घास ऐसे लटका रही हूँ ना, इसको ये जो यहाँ पे ऊपर वाली साइड है ना, इसके बराबर मुझे ये घास बांध रहा है। घास रखते रखते पेड़ पे चढ़ गई हूँ, और इसी तरह से ही रखना है ये घास हमें, और जो भी यहाँ पे घास है ना, ये सारा इसी पेड़ पे याद आएगा, तो तब हम इस तरह से रख रहे हैं इसको, क्योंकि यहाँ पे जो घास था ना, ये बहुत भी था थोड़ा सा, तो फिर चलो हमने बोला कि इसको ना एक जगह इकट्ठा रख लेते हैं, थोड़ा थोड़ा रखते हैं ना, उसको भी टाइम लगता है। तो यहाँ पे हमारा ऐसे बड़े पेड़ पे जो रखेंगे ना, ये घास भी हमारा सेफ रहेगा और ज़्यादा भी आता है यहाँ पे। हम छत बनाना शुरू करेंगे, और छत बनाने के लिए यहाँ पे घास का पुल्ला हम ऐसे रखेंगे, ये देखिए उल्टा रख रहे हैं हम पुल्ले को भी, तो इस तरह से चारों तरफ घुमाएंगे और तब बनेगी हमारे घास को छत, और इससे ना अंदर पानी नहीं जाता है। फिर तो अब मैं दूसरी छत बनाना शुरू करूंगी, और ये जो मैं दूसरी छत बना रही हूँ ना, तो इसको बनाएंगे ऐसे, यहाँ पे बांधेंगे पुल्ला और यहाँ पे ऊपर को, और ये जो नीचे घास रखा हुआ है ना, और ये जो नीचे वाली छत भी है ना, तो यहाँ से इस तरह पुल्ला रखने से जो भी बारिश का पानी होगा ना, वो तो यहाँ से नीचे जाएगा और नीचे वाली छत से बाहर गिर जाएगा, तो अंदर पानी नहीं जाएगा फिर। तो बांध लिया हमने घास, और वहाँ पे लग गया है हमारा घास का डाल बोलते हैं इसको। तो ये देखिए जो भी हमने और पेड़ों पे घास रखा है ना, उन सबसे बड़ा लगाया है ये, और इस पेड़ पे ना हमारे साले बड़ा ही लगाते हैं, क्योंकि ज़्यादा घास रखते हैं यहाँ पे, तो अभी देखने को भी सुंदर लग रहा है ये बढ़िया, और घास भी हमारा काफ़ी सारा आ गया है इसमें। और यहाँ पे हमारी चांदरी के बालों की कटिंग भी हो गई है, और ना अभी चांदरी देखने को थोड़ी सी सुंदर लग रही है, और नहाने को भी बढ़िया हो जाएगा, क्योंकि ऐसे जब पशु को नहाते हैं ना, बाल होते हैं इनके, तो तब पशु ना अच्छे से नहला नहीं पाते हैं हम, क्योंकि इन बालों के अंदर पानी नहीं जाता है, और अब बालों की कटिंग हो गई है ना, तो पशु को अच्छे से रोज हम नहलाएँगे और साफ़ सुथरा रखेंगे इसको। तो अभी बज रहे हैं शाम के 5, और मैंने थोड़ा सा खाना बनाया रितेश के लिए, क्योंकि उसको ना ड्यूटी चले जाना था, तो वो चला गया है, अभी 5:30 बजे जाएगी उसकी गाड़ी, और अभी ना शाम के टाइम ठंड लग गई है, तो मैंने गर्म कपड़े पहने हुए हैं, पर इनसे भी ठंड लग रही है मुझे आज। वैसे कल दिवाली थी ना, तो कल तो सारा दिन भर मुझे ज़रा भी ठंड नहीं हुई, शाम तक ठंड नहीं हुई, पता नहीं दिवाली मना रहे थे खुशी की वजह से ठंड नहीं हुई कि क्या वजह थी, लेकिन आज मुझे बहुत ही ज़्यादा ठंड लग रही है। और हरदीप अभी भी दिवाली के पटाखे फोड़ रहा है, क्योंकि पटाखे अभी ख़त्म नहीं हुए हैं, तो जब तक पटाखे ख़त्म नहीं होंगे ना, तब तक ये पटाखे फोड़ता रहेगा। और हरदीप भाई देखिए क्या साइंस जोड़ रहा है यहाँ पे, जिन फैक्ट्री वालों ने इन पटाखों को बनाया हुआ है ना, तो उनसे क्या कमी रह गई है जो ये इतना जतन कर रहा है, ये क्या कर रहा है कि ये जो पटाखे हैं ना, इनको बाहर से एक्स्ट्रा एक कागज़ लगा रहा है और इनके भीतर पटाखे भर रहा है, फिर तब जाके ये पटाखे फोड़ रहा है, और इसको ना इस तरह से पटाखे फोड़ने में बहुत ही मज़ा आ रहा है। ये डरा छोड़े।
तेरी बड़ बजरा पटाखा होया क्या थी उड़े दस बता तो ये देखिए हरदीप ने ना इतना मोटा कागज लपेटा हुआ था वो जो पटाखा भरा था ना इसके अंदर तो ये फट गया था और ये इसी प्रैक्टिस में लगा था कि मुझे चेक करना है कि ये कागज फटेगा या नहीं। तो बच्चा इसके अंदर होता है दारू, ये कागज क्या ये आदमी फाड़ देता है। चंद्री डर गई पटाखे की आवाज सुन के। और हरदीप पटाखे फोड़ रहा है ना तो यहाँ हमारी चंद्री डर रही है बहुत ही ज्यादा। तो हरदीप ना अभी इसको बहला फुसला रहा है कि तू डर मत, ऐसे बोल रहा है ये इसको, क्योंकि ये बहुत घबरा रही है जब ये पटाखे की आवाज हो रही है। तो मैं इसको बोल रही हूँ कि तू ऐसी कौन सी जगह से आई है जहाँ पे कि तूने पटाखे की आवाज ही नहीं सुनी कभी। तो चंद्र तो हमारी बहुत ही डर रही है, जो हरदीप ने हाथ में लिया हो ना पटाखे का कागज तो ये इसको देख के भी डर रही है। तो अब हम इनको ना अंदर बांध लेंगे क्योंकि आज ना इसके बालों की कटिंग भी की हुई है तो ठंड भी हो गई है। जब मुझे ठंड लग रही है तो इसको भी ठंड लगी रही होगी क्योंकि इसके शरीर पे तो आज बाल भी नहीं है और जब पशु के शरीर पे बाल होते हैं ना तो तब फिर इनको ठंड कम लगती है। तो पशुओं को हमने अंदर बांध लिया है और आज इनका ना अंदर जाने का मन नहीं था तो हमारी चंद्री अंदर नहीं जा रही थी। इसको लग रहा था कि अभी हमारा ना अंदर बांधने का टाइम नहीं हुआ है क्योंकि ऐसे तो रोज रोज हम ना लेट बांधते थे इनको अंदर, लेकिन आज बांधा है इनको जल्दी क्योंकि इसके बाल जो काटे हैं आज ना। तो फिर मैंने बोला कि इसको लगी होगी ठंड, पर इसको लग रहा था कि अभी हमारा अंदर जाने का टाइम नहीं है, फिर जबरदस्ती इनको ना अंदर बांधा हमने। तो यही थी मेरी आज की वीडियो और आज की अपनी इस वीडियो का करूंगी यहीं पे एंड। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट, और जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय देव भूमि हिमाचल प्रदेश।